हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो का मेन पर्पज ये है कि किस तरीके से हम रियल एस्टेट के वेबसाइट से या फिर रियल एस्टेट की लैंडिंग पेज या फिर कोचिंग बिजनेस के लिए किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं पॉपअप की मदद से। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्लेक्सीफनल के डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये हमारा फ्लेक्सीफनल का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर हमें नीचे सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा पॉपअप का, तो हम यहाँ पर पॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा क्योंकि टाइम ज़रा वेस्ट ना हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पॉपअप क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, पहले सेक्शन डाला था, इसके नीचे कॉलम और उसके नीचे मैंने एक हेडलाइन सब हेडलाइन और उसके बाद फॉर्म। जब हमारे फॉर्म के अंदर चले जाएंगे ना, तो अभी मुझे मिलेगा कि हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर नेम और इसका नेम दिया है। तो अभी मुझे उसका यहाँ पे एंटर योर बेस नंबर डालना है, एंटर योर बेस ईमेल आईडी। यहाँ पे हम एंटर ई बड़ा कर देते हैं, एंटर योर बेस ईमेल आईडी, एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर फ़ोन नंबर। इस हिसाब से हम एंटर योर फ़ोन नेम यहाँ पे हम कर सकते हैं, एंटर योर फुल नेम। तो ये डायरेक्टली हमारा और इसे रिक्वायर्ड कर देना है कि कस्टमर का नाम ही पता नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये हो गया। अब इसे देखना है कि किस तरीके से वो मोबाइल फ्रेंडली है, तो मोबाइल फ्रेंडली के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक डिलीट कर देना पड़ेगा इसको, यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब हमारा ये पॉपअप रेडी है हमारे किसी भी लिंक के लिए ज्वाइन करवाने के लिए। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, रियल एस्टेट किंग लिख लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, उसकी साइजिंग थोड़ी कम कर देते हैं। तो ज़रा उसका टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में उसका टेक्स्ट को चेंज करके हम रह गए मॉन्सेरेट के बाद उसकी थोड़ी साइजिंग को थोड़ा चेंज कर देंगे तो उधर थोड़ा ठीक दिखेगा। अगर इसकी फॉर्म की विथ चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, साइजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और विथ को यहाँ से थोड़ी कम कर देंगे तो थोड़ा लुकिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हमें जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म को क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड करना है किसी भी लिंक के ऊपर। तो मान लो कि यहाँ पर इस लिंक को कोई क्लिक करे तो ये पॉपअप ओपन करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जाना है, इस वाले लिंक के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है, बटन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉपअप का ऑप्शन है, पॉपअप के क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पॉपअप में रियल एस्टेट लीड जनरेशन को क्लिक कर देंगे और सेव और पब्लिश कर देंगे। तो जब भी हम कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारे पॉपअप के ऊपर एंटर होगा। तब देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं। और चलिए, तो यहाँ पे जाएंगे हम, उसको रिलोड करेंगे, अभी रिलोड करेंगे। मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, रिलोड कर देंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। अभी जब भी मैं यहाँ पे अपने फॉर्म फिलअप करूँगा तो डायरेक्टली वो मेरे यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक आया हो, कितने लीड मिले हैं। तो इस तरीके से अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो फास्ट इजीली। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।